हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो आज का जो व्लॉग होने जा रहा है वो ढाई दिन के झोपड़े के अंदर अपन आए हुए हैं। और ढाई दिन का झोपड़ा इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको बनाने में सिर्फ ढाई दिन लगे थे और ये अपने आप में इतना महल जैसा स्पेस इसने घेरा हुआ है। रीज़न ये कि इतना स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसकी सारी दीवारों पर जो कुरान शरीफ की आयतें वो लिखी गई है, और जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा अलग माना जाता है, थोड़ा सा स्पेशल माना जाता है। आज भी यहाँ मस्जिद में नमाज होती है, पूरे 500 टाइम की होती है, और उसके साथ में यहाँ मौलाना साहब सब सारे काम होते हैं जो कि रिलीजियस काम है। और यहाँ पर आपको सारी जो आयतें वो लिखी गई, मैं आपको थोड़ा डीप इनसाइड भी जाके दिखाऊँगा कि इसमें क्या है। और इसमें ऐसा बोला जाता है कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो नमाज़ पढ़ते थे, ऐसा मेरे को सुनने में आया। मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कि सेम चीज़ है कि नहीं है, बाकी आप देख सकते हो। आपको मैं एकदम पहुँच जाके दिखाता हूँ कि आयतें किस तरीके की लिखी हुई है। भाई पता नहीं पीछे से कौन कौन आवाज़ देते रहते हैं। और लोग अभी मस्जिद में बैठे हैं, यहाँ औरतें भी जा सकते हैं अंदर मस्जिद में, क्योंकि ये विजिटर प्लेस भी है। और आपको अंदर का पूरा स्ट्रक्चर दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप देखोगे, देखो अंदर कितना खुदाई कर करके, मतलब ये तकरीबन दो दो तीन तीन इंच के पत्थर लगा लगा के पूरी कुरान शरीफ की आयतें इसमें लिखी गई है ऊपर तक, हर एक सिंगल दीवार पर। और अभी अंदर जाते हैं और इसमें पिलर्स वगैरह भी आप देख सकते हो, देखो कितना कुछ आर्किटेक्चर वाला काम करा गया। ऊपर का जो दरवाज़ा है वो भी तकरीबन 100-150 फीट के करीब होगा। ऊपर भी बहुत जगह है, मतलब अपने आप में घेरे हुए हैं। और अंदर अभी भी नमाज होती है, तो पहले अपने स्लीपर यहाँ निकालते फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अभी भी मस्जिद है, और तकरीबन मैंने अंदर अंदर मैंने खुद से पर्सनली गिने, तो ये वाले जो पिलर्स हैं ये तकरीबन 16x5, तो इतने पिलर्स यहाँ लगे हुए। ऊपर का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ऊपर कितना प्यारा स्ट्रक्चर अभी बना हुआ, राउंड 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 शेप में। और पिलर सब भी बहुत ऊंचे ऊंचे अपने, मतलब होंगे तकरीबन 20-30 फीट से ज़्यादा की इनकी ऊंचाई है। और आप इनका आर्किटेक्चर देखोगे तो बहुत शानदार आर्किटेक्चर है। आपकी कढ़ाई जो जगह जगह करी गई है, बहुत प्यारे डिज़ाइन बनाए गए हैं। अभी मस्जिद है तो मस्जिद में आप खिदमत भी होती है, लोग भी आते हैं, गंदगी भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। और पिलर्स अपने आप में देखने के बताओ किस तरीके से उनको ढाई दिन में बनाना एक तरीके से पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन लोगों ने करा है। पुराने ज़माने में ये सब करना बहुत ईजी था, क्योंकि कारीगर्स बहुत एक टाइम पे लगते थे। तो बहुत सही लोकेशन अपने आप में, और आपको भी आना चाहिए। और दरगाह से थोड़ा ही दूर पड़ता है, पैदल रास्ते पर आप चलोगे तो आप ढाई दिन के झोपड़े में आप ऊपर भी जा सकते हो। अभी पता नहीं कि रास्ते बंद है कि नहीं, भाई धूप बहुत है, पैर जल रहे हैं। ये रास्ता बंद कर रखा है इन लोगों ने, ऊपर जाने का था लेकिन अभी मस्जिद बनाई है तो मस्जिद के चक्कर में शायद इन्होंने बंद कर दिया। ओहो पैर जल रहे भाई भयंकर। और इसमें टोटल्स 1, 2, 3 मेन गेट, 4, 5, 6, 7 गेट है, तो टोटल इसमें 7 दरवाजे भी बनाए गए हैं। उधर भी वो आर्किटेक्चर है तो वो बाहर निकलने का रास्ता होगा, मे भी मेरे को सही आइडिया नहीं उसका, लेकिन वो बाहर निकलने का रास्ता ही हो सकता है क्योंकि वहाँ दरवाजे लगे हुए और यहाँ दरवाजे नहीं, तो ये ओपन मस्जिद बनाई है। यहाँ टोटल 7 दरवाजे ये बनाए गए, जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिए। और वो अंदर मस्जिद है जहाँ अभी भी नमाज हो थोड़ी देर में। और ये जो गेट है ये बाहर निकलने के एग्जिट करने के रास्ते, क्योंकि यहाँ पर दरवाजे लगाए गए तो यहाँ लोग फोटोशूट वगैरह करवा रहे हैं। वैसे मस्जिद में अलाउड नहीं है, लेकिन ये बहुत अजीब मतलब थोड़ी इंटरेस्टिंग मस्जिद है, इसलिए लोग यहाँ आ सकते हैं। और आयत आप पूरी देख पा रहे होंगे कि ये जो लिखी हुई है सब सारी कुरान की आयतें, पत्थरों से काट काट के पता नहीं किस तरीके के आर्किटेक्चर का यूज़ करके इन्होंने ये सब बनाया। और बहुत प्यारी लोकेशन है धार्मिक स्थान से भी, और वैसे भी तो अपने आप में बहुत प्यारी है, एक बार आपको आना चाहिए। ये ग्रुप आया हुआ पता नहीं कहाँ से बहुत चिल्लर चिल्ली कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारे इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। और आपको मैंने मस्जिद दिखा दी, दरगाह दिखा दी, शोर शराबा दोनों जगह था, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग रहा। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय।